सो अगर आप Redmi Note 5 लेने का सोच रहे हैं एंड आपका अगर बजट 10 से 11,000 है और आप एक बेस्ट मोबाइल ढूंढ रहे हैं इस कैटेगरी में, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। सो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ VJ बैक अगेन विद अ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 5 के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने Redmi Note 5 परचेज़ किया है एंड मैं इसे बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके बारे में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या इसके प्रोज हैं, क्या क्या इसके कॉन्स हैं, इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो पहले हम बात करेंगे कि आपको Redmi Note 5 क्यों नहीं लेना चाहिए। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनवरी 2017 के अराउंड Redmi Note 4 लॉन्च हुआ था, जो कि था 3GB और 4GB रैम वेरिएंट के साथ एंड उसमें स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर था, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। एंड सेम कंपनी एक साल बाद, जो कि 2018 फेब या मार्च के अराउंड, एक नया फ़ोन लॉन्च करती है जो कि है Redmi Note 5। उसमें सेम प्रोसेसर के साथ आती है जो कि पिछले साल का प्रोसेसर है। तो ये बात मुझे समझ नहीं आई कि कंपनी एक नया फ़ोन लॉन्च कर रही है तो उसके साथ वो पुराना प्रोसेसर क्यों यूज़ कर रही है। एंड इनफैक्ट लोग क्यों पुराना प्रोसेसर लेना चाहेंगे जो कि एक साल पुराना प्रोसेसर है एंड वही सेम फ़ोन में वो आया था जो कि Redmi Note 4 में था। सो ये है पहली बात जो कि है प्रोसेसर के रिगार्डिंग। सो अब हम बात करेंगे कैमरा परफॉर्मेंस की। तो जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 4 में फ्रंट 5 मेगापिक्सल था विदाउट फ्लैश एंड बैक कैमरा था 13 मेगापिक्सल विद ड्यूल टोन LED फ्लैश। एंड Redmi Note 5 में अगेन फ्रंट पे 5 मेगापिक्सल है एंड बैक पे 12 मेगापिक्सल है। एंड मैं बोलना चाहूँगा कि कैमरा परफॉर्मेंस, बैक जो कैमरा है उसका थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस का इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। सो आप अगर कैमरा को कंसीडर करके Redmi Note 4 से 5 में अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी मत कीजिए। आप 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा लगा के Redmi Note 5 Pro ले सकते हैं, जिसका कैमरा क्लियरिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड इवन उसमें ड्यूल लेंस है, जिस जो आपको एक बोके इफ़ेक्ट भी प्रोवाइड करेगा। एंड अगर आप कैमरा को ध्यान से देखेंगे कि जो इस Redmi Note 5 का कैमरा है वो थोड़ा सा आउटवर्ड है बॉडी से, तो जिससे क्या प्रॉब्लम आती है अगर आप इस फ़ोन को किसी सरफेस पे रखते हैं एंड अगर आप गलती से उसे रब कर देते हैं उस सरफेस पे, तो यहाँ पर चांसेस है कि आपके कैमरा का जो स्क्रीन है उस पे स्क्रैचेस आ सकते हैं। एंड इवन आप देख सकते हैं कि मैंने Xiaomi का जो प्रोवाइडेड कवर है वो यूज़ कर रहा हूँ इस फ़ोन के साथ, स्टिल इसमें बहुत सारे स्क्रैच आने के चांसेस हैं अगर आप इसे किसी भी सरफेस के साथ रब करते हैं या गलती से या कभी भी आप ऐसे रब कर देते हैं तो आपके कैमरा पे स्क्रैच आने के चांसेस हैं। तो इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे फ़ोन को ओरियो अपडेट्स मिल रहे हैं, सो हम लोग भी अज्यूम कर रहे थे कि जब भी Xiaomi का एक न्यू फ़ोन अपडेट आएगा या न्यू फ़ोन लॉन्च होगा तो उसमें एंड्रॉयड ओरियो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा। सो जैसा कि आप जानते हैं कि Redmi Note 5 और 5 Pro लॉन्च हुआ है रिसेंटली फेब में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 5 एंड 5 Pro है दोनों में ही एंड्रॉयड ओरियो अपडेट नहीं है। सो ये बहुत ही एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात है कि Xiaomi के तरफ से कि वो सेम वही एंड्रॉयड का वर्जन दे रहे हैं जो कि नोगट वर्जन है। सो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओरियो वर्जन कम से कम एंड्रॉयड 8.0 इसमें होना चाहिए था, जो कि नहीं है। सो हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड नोगट मिलता है, जो कि अगेन एक डिसअपॉइंटमेंट है इस फ़ोन के रिगार्डिंग। सो नाउ अब कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मुझे इस फ़ोन के रिगार्डिंग पसंद नहीं है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो पहली चीज़ है स्पीकर वेंट्स। सो जैसे कि आप सब जानते हैं Redmi Note 4 में भी दो स्पीकर वेंट थे एंड Redmi Note 5 में भी दो स्पीकर वेंट हैं। सो बहुत सारे लोग ये सोच के ये फ़ोन ले लेते हैं कि इसमें दो स्पीकर्स हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा लाउड साउंड देगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें से खाली एक स्पीकर वर्क करता है एंड जो दूसरा वाला है वो खाली शो के लिए है। उसके अंदर एक माइक्रोफोन है एंड खाली लेफ्ट साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला वर्क करता है एंड लेफ्ट साइड वाला माइक्रोफोन है, बट उन्होंने ऐसे प्रोवाइड किया है कि लोगों को लगे कि वो दो स्पीकर हैं उसमें। एंड दूसरी चीज़ है हाइब्रिड सिम स्लॉट। सो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि Xiaomi का जो भी नया फ़ोन लॉन्च होगा उसमें एटलीस्ट SD कार्ड के लिए अलग से एक स्लॉट होगा, बट ऐसा नहीं है। Xiaomi ने जो अभी रिसेंटली Note 5 और Note 5 Pro लॉन्च किया है,
दोनों में हम हाइब्रिड सिम स्लॉट देख पा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं हाइब्रिड सिम स्लॉट में दो सिम्स या एक सिम या एक एसडी कार्ड एक बार में यूज़ होता है, आप दोनों सिम और एक एसडी कार्ड एडिशनल यूज़ नहीं कर सकते तीनों को एक साथ। सो ये भी अगर हम कंसीडर करें तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें अपने फ़ोन की स्टोरेज एक्सपेंड करना है एंड इवन दोनों सिम यूज़ करने हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सो नाउ अब हम बात करते हैं कि आपको Redmi Note 5 लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विद इन 10,000 या 11,000 आपको इससे अच्छा फ़ोन मार्केट में नहीं मिलेगा इतने सारे फीचर्स के साथ। जैसे कि आप सब जानते हैं इसमें 18:9 एस्पेक्ट रेशियो की स्क्रीन है विद गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन एंड फ्रंट 5 मेगापिक्सल का कैमरा है विद LED फ्लैश एंड बैक में आपको मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा विद ड्यूअल टोन LED फ्लैश एंड फिंगरप्रिंट भी आप में इसको मिल जाता है। एंड अगर आप और ऐसी बहुत सारी जानकारी जानना चाहते हैं इस फ़ोन के रिगार्डिंग तो आप इस आई बटन को क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है इस फ़ोन के रिगार्डिंग, आप उसमें कर सकते हैं। सो अगर आपका एक बजट है 10 to 11,000 एंड आप उससे ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते किसी भी हालत में 10 to 11,000 के बीच में, तो आपको ये फ़ोन लेना चाहिए। सो अगर आप 10 to 11,000 के बीच में एक फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो आप Redmi Note 5 ले सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर अच्छी लगी है तो नीचे लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए एंड इवन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के। सो गाइज विल एंड दिस वीडियो हियर एंड मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज या कुछ भी डाउट्स है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या इवन आप मेरे को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। सो गाइज दिस इज विजय साइनिंग ऑफ एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।